मामला ये है कि झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति आज 1.5 सालों से आंदोलन कर रही और करते आई, तो हमारा कार्यक्रम मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम उधर है, यहाँ से 4 किलोमीटर दूर है, लेकिन ये लोग बोल रहा है प्रशासन कि आप यहाँ कार्यक्रम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? कौन सा संविधान में लिखा हुआ कि कार्यक्रम हम नहीं कर सकते? मुख्यमंत्री जी अपना कार्यक्रम कर रहे हैं, हम अपना कार्यक्रम कर रहे हैं, क्यों नहीं कर सकते? जबकि संविधान में ये लिखा हुआ है कि आप शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन कर सकते हैं, हाँ शांति नहीं कर सकते, बाकी आप हरवे हथियार के साथ नहीं कर सकते, वो हम नहीं कर रहे। हम शांतिपूर्वक आंदोलन करने का हर किसी का अधिकार है, भारत के हर नागरिक को अधिकार है, तो उस अधिकार का हम उपयोग करते हुए आज यहाँ अपना खतियानी महाजुटान रखे, तो उसी को रोकने के लिए पूरा पुलिस प्रशासन लग गया कि आप कार्यक्रम नहीं कर सकते। हम पूछ रहे हैं कि क्यों नहीं कर सकते, तो कोई बता ही नहीं रहा, बोले बस नहीं कर सकते, तो तरीका तो नहीं हुआ। आप लोग मंच बना रहे थे, कुछ रोका गया? मंच बना रहे थे, पुलिस रोक दी कि नहीं बनने देंगे, खोलने की जबरदस्ती है, मतलब तानाशाही है। इतना तो हिटलर भी तानाशाही नहीं था जितना ये है। समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है देश में, संविधान बचा है कि नहीं बचा है, कानून बचा है कि नहीं बचा है, समझ में नहीं आ रहा है। तो ये चीजें हमारे साथ क्यों हो रही है? आप सभा कीजिए, आपका काम है, आप सभा अपना करके चले जाइए, हमारा काम है, हम अपना सभा कर रहे हैं, और आपके क्षेत्र में करते, आपके रेडियस के अंदर करते तो समझ में आता, हम रेडियस के बाहर कर रहे हैं और संवैधानिक तरीके से कर रहे हैं, असंवैधानिक कुछ नहीं कर रहे हैं। अगर हम मुख्यमंत्री जी का विरोध करने जाते या वहाँ हरवे हथियार लेके घुस जाते उसका टेंट के अंदर, तो रोक सकते थे हम, उसके बहुत दूर है, 4 किलोमीटर दूर है।